हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यस, तो हम आज की क्लास में मैथ्स का रिवीजन करेंगे। मैथ्स का भी आपका सभी सब सिलेबस का कंप्लीट हो चुका है कोर्स, तो इसलिए हम अब सभी सिलेबस में सभी सब्जेक्ट में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आज हम मैथ्स में कर रहे हैं बेटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का रिवीजन। तो मल्टीप्लाई को मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जब हमारे पास जो डिजिट होती है सिक्स, उसको हमें फाइव तक टेबल, हमें सिक्स की टेबल को फाइव तक रीड करना है। जो आंसर हमें मिलता है वो हमें यहाँ पे राइट करना है। तो सिक्स की टेबल हमें कहाँ तक रीड करनी है, फाइव तक। स्टार्ट करो, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, सिक्स फाइव जा थर्टी, सिक्स फाइव जा 30। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, 30। ओके, ऐसे ही 4 का टेबल हमें 7 तक रीड करना है। 4 7 जा कितने होते हैं, तो 4 की टेबल रीड कीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 28। 4 7 28। नेक्स्ट लिखिए, 9 की टेबल 8 तक रीड कीजिए, 9 8 जा वैसे तो पता है आपको 17, अगर किसी को कंफ्यूजन होती है तो 9 की टेबल रीड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। तो हम क्या आंसर लिखेंगे यहाँ पे, 72। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें देखिए यहाँ पे 2 डिजिट का है, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 की टेबल पहले हम कहाँ तक रीड करेंगे, 3 तक। पहले फर्स्ट डिजिट आपकी 3 है तो 3 तक ही रीड करनी है, फिर सेकंड डिजिट 8 है तो 8 तक रीड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमें 6 लिखा। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट क्या है, 8, तो 2 की टेबल हमें कहाँ तक रीड करनी है, 8 तक, तो 2 8 जा 16, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 166। नेक्स्ट है 3 की टेबल हमें 1 तक रीड करनी है, 3 1 जा 3, अब 3 की टेबल हमें 9 तक रीड करनी है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, सो आवर आंसर विल बी 27। नेक्स्ट है 4 की टेबल हमें 2 तक रीड करनी है, 4 2 जा 8, अब 4 की टेबल हमें 7 तक रीड करनी है, 4 7 जा 28, आंसर विल बी 28। ऐसे ही देखिए हमें आंसर है, हमें अब इसके साथ हम करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड में हमने क्या करना है, 28, जिस देखिए हमारे पास 4 है, 4 की और 28 है, 28 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। तो 4 की टेबल हमें वहां तक रीड करनी है जहां तक आपका 28 नहीं आ जाता। 28 जब तक नहीं आ जाता वहां तक हमें 4 की टेबल रीड करनी है। 4 की टेबल में 28 आता है ना, यस, तो रीड कीजिए 4 की टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। 28 आ गया ना, 4 7 जा पे, 7 पे आया है, तो 4 7 जा 28, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7। 4 7 जा 28। अब 7 की टेबल में 49 कहाँ पे आता है, 7 7 जा 49, तो यहाँ 7 आंसर हो गया हमारा। 6 की टेबल में 30 किस पे आता है, 6 5 जा 30, 5 पे आता है, तो 6 5 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही 48 की टेबल में कहाँ पे आता है, 48 की टेबल रीड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो हमारा आंसर हो गया 5।
ऐसे ही 9 9 51, तो हमारा आंसर हुआ 9, और 5 7 35, तो हमारा आंसर हुआ 7। तो ऐसे ही हमें ये हमारा डिवाइड सॉल्व करने हैं और मल्टीप्लाई सॉल्व करने हैं और अपना वर्क करके अपने क्लास टीचर को सेंड करना है। ओके, बाय, टेक केयर।